कम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे तो आज हमारा था बाहर जाने का प्लान और एक बहुत ज़रूरी काम था जिसके लिए हमें जाना था बट अफसोस के वो काम नहीं हो सका और इतनी ज़्यादा आज हमारी खवारी हुई ना और इतनी सख्त गर्मी थी आज कि बस वो गुस्सा भी आ रहा था और इतनी परेशानी भी हुई फिर बैठती एंड मैंने कहा बस चलें आई चलते हैं जाकर कुछ खाते पीते हैं और थोड़ी आउटिंग वगैरह करते हैं और अपना दिन जो है इन्जॉय करते हैं क्योंकि हमें दो ढाई घंटे हो गए थे आ, मतलब कि टू टू थर्टी हम जो है आइकिया आए थे और ये यहाँ पर जी हम आइकिया में आ गए थे और यहाँ पे इतने सारी वॉल पेंटिंग्स लगी हुई थी और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी बहुत ही मतलब कि खूबसूरत बना हुआ है ये अंदर से बहुत ही मज़े की जगह मुझे तो लगी और ये हम आ गए थे सबसे पहले फ़ूड कोर्ट क्योंकि हमें भूख लग गई थी हम लोग घर से भी नाश्ता वगैरह करके नहीं आए थे बस गाड़ी में हमने जो है जूसेस रख लिए थे और हम लोग बस जूस ही पीते रहे हैं पूरा टाइम मैं तो जूस ही पी, पीते हुए आई थी ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो बस यहाँ पर एक फादर डे की डील भी चल रही थी पहले हमने सोचा कि वो कर लेते हैं बट फिर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लें तो यहाँ पर मेरा ना एक्चुअल में ब्राउनी खाने का बहुत दिल चाह रहा था बट ब्राउनी नहीं थी मफिन था और मैंने ये मफिन लिया था यहाँ पर अपने लिए तो बस यहाँ पर अभी हम अपने खाने पीने के लिए कुछ देख रहे थे और बहुत अच्छी वैरायटी थी मीट बॉल्स थे पास्ता था और मटन के जो थे ना वहाँ वो मीट बॉल्स थे यहाँ पर और यहाँ पर सैलड्स थी बहुत तरह की ने लिए जो है खाना वो ले लिया था पिक कर लिया था और इसके बाद जो है हमने कोल्ड ड्रिंक लेनी थी यहाँ पर आई किया में ऐसा है कि वो आपको एक ही कप देते हैं और आप उसको जितनी मर्जी दफ़ा रिफिल करें तो बस यहाँ पर हस्बैंड मुझे ये दिखा रहे थे और यहाँ पर एक हमने किड मील ली थी केक लिया था मफिन था मैश पोटैटो थे स्टेक थे स्टेक था और मीट बॉल्स थे और मैंने पास्ता लिया था हर सब कुछ बहुत मज़े का था बहुत यमी था और इसके बाद हम लोग आगे खाने के बाद आइकिया का विज़िट करने यहाँ पे जो है स्टूडियोज़ बने हुए हैं आ, मतलब कि वन बी के इस तरह टू बी के मतलब अपार्टमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे जिस तरह के अपार्टमेंट्स हैं उस तरह से यहाँ पर जो है स्टूडियोज़ बने हुए हैं और ये देख काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आप अपने घर को किस तरह से डेकोर कर सकते हो और बहुत सारे यहाँ पर बजट फ्रेंडली जो है वो चीज़ें भी थी और बहुत सारी आ, मतलब के एक्सपेंसिव भी थी खैर तो यहाँ पर मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि कितने मतलब के खूबसूरती से उन्होंने पूरा जो है वो डेकोर किया हुआ था इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की इसके बाद हम लोग कारफोर आ गए थे और वहाँ से हम लोगों ने कुछ खाने पीने की और कुछ मतलब तो के घर की ज़रूरत की चीज़ें जो मुझे ज़रूरत थी मैंने वो भी परचेज़ की यहाँ से और ये यहाँ पर था पूरा कैंडी कैंडीज़ का और चॉकलेट्स का सेक्शन था बहुत ही मज़े का तो वो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लेनी थी दाल वगैरह लेनी थी कुछ और सूजी लेनी थी तो बस हमारी शॉपिंग जो है वो यहाँ पर आई कंप्लीट हो होगी थी और कुछ चीज़ें जो है इन्होंने अपनी शॉप के लिए भी लेनी थी तो वो भी इन्होंने यहीं से ले ली और यहाँ पर ना जाते हुए आइसक्रीम देखी थी मैंने कहीं पे तो जिन्होंने कहा कि आप वापसी पे चलो ले लेना वापसी पे जाते हुए आपको दिला दूँगा आइसक्रीम तो यहाँ पे ये वन धर्म में थी कौन आइसक्रीम सॉफ्टी थी और ये इतने मज़े की थी ना मुझे ये इतनी और इतनी ज़्यादा इसमें फिलिंग थी पूरी कौन जो है वो एंड तक फेल हुई थी और ये वनीला फ्लेवर था इसका बहुत मज़े की थी मुझे बहुत मज़े की लगी और इसके बाद जी हमें लेने थे एक्चुअल में आम आम हमें कहीं से नहीं मिले तो बस ये रास्ते में हमें यहाँ पर ये बड़ी सी होल मार्केट मंडी कह लें सब्ज़ी मंडी कह लें हमें वो नज़र आई तो यहाँ पर जो है सब कुछ होल सेल रेट पर जिस तरह होता है मंडियों में उस तरह से मिल रहा था तो यहाँ पर पालक देख रहे थे इतनी फ्रेश पालक थी और ये यह यहाँ पर पालक लेकर आते हैं वो बिल्कुल मतलब कि दो से तीन दरम में लेकर आते हैं वो इतनी थोड़ी सी होती है और ये एक दो दरम में ही इतनी ज़्यादा और फ्रेश बिल्कुल थी इस टाइम पर और ये यह यहाँ पर सूखी मछली थी और मुझे देख के ना हमारे लास्ट वाले घर में जो थे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे मुझे वो मलवारी याद आ गई क्योंकि वो इस तरह की सूखी मछली बनाते थे तो खैर हमने ग्रॉसरी की फटाफट क्योंकि हमारे हम लोगों को ऑलरेडी सुबह से हम लोग निकले हुए थे बारह बजे के और आठ बज चुके थे आठ साढ़े बजे हम लोग जो है घर आए थे तो ये जो है हमने शॉपिंग की वो यहाँ से फ्रेश जो है वो धनिया पुदीना मैंने चेरीज़ ली और आम की हमें जो है पूरी एक पेटी मिल गई और जो है माल्टे थे वो हमें यहाँ पर मिल गए मुझे नहीं पता ये कौन सी वेराइटी थी क्योंकि डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं यहाँ पर ये यह चावल हमने वहाँ पर होल सेल स्टोर था वहाँ से हमने दस किलो चावल ले लिए वो हमें इतने सस्ते मिल गए और आम इतना अच्छा आम हमें मिला ना वैसे तो यहाँ पर मार्ट्स पे जो है वो आम इतना अच्छा नहीं था लेकिन खैर यहाँ पर हमें आम बहुत अच्छा मिल गया और इतने मीठे आम हैं और इसका मिल्क शेक बनता है बहुत ज़बरदस्त शेक इसका बनता है और ये था धनिया पुदीना इतना फ्रेश इस टाइम पे हमें मिला था ऑयल भी हमने होल रेट पर लिया था और मैंने अपने लिए पीचेस लिए थे चेरीज़ ली थी क्योंकि ये मुझे आजकल इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना मेरा इतना दिल करता है खाने का तो काफ़ी टाइम से चेरीज़ का भी मैं कह रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं वो भी लेकर आऊँगा और इतने ज़्यादा इन्होंने खीरे वगैरह उठा ली क्योंकि सैलड बहुत खाते हैं अचार ख़त्म था वो भी ले लिया और ये इन्होंने लिया था आइकिया से बिस्किट्स लिए थे अपने लिए कुकीज़ ली थी नमक ख़त्म था वो लिया सूजी काफ़ी दिन से हलवे के लिए कह रहे थे तो सूजी ले ली थी और दाल भी इनका खाने का रहा था दाल चावल बहुत पसंद है इनको तो दाल भी ले ली और ये मैंने लिए थे क्लोथ्स के लिए क्लिप्स क्योंकि यहाँ पे मैं कपड़े जो है बाहर वॉश करके डालती हूँ तो वो कपड़े क्या होते हैं वो उड़ के पूरे नीचे गिर जाते हैं और सारे गंदे हो जाते हैं तो फिर मैंने इनको कहा कि यहाँ पे हवा बो तेज़ आज चल रही है तो क्लिप्स हमें बहुत सस्ते मिल गए थे और काफ़ी ज़्यादा थे और मेरा कंडीशनर ख़त्म हुआ हुआ था काफ़ी दिन से तो वो कंडीशनर मैंने लिया और ये दो छोटे बाउल लिए ये आइकिया से ही लिए और इन्होंने पहले भी इसी तरह के बड़े साइज़ के बाउल हैं वो भी लिए और एक ये बॉक्स लिया कंटेनर लिया क्योंकि शॉप पे जाना होता है ये कांच का है क्योंकि वो प्लास्टिक वाले गर्म करते हैं ना तो वो सारे जल चुके हैं वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि वो किस तरह से सारे जल चुके हैं और ये एक स्पैचुला लिया मैंने ठीक है इसकी भी मुझे ज़रूरत थी और ये एक डिश वॉशर लिया इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से मैंने इसको यूज़ किया है और ये बहुत अच्छे से ना आपकी कढ़ाई वगैरह को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है इतना वो जो स्कॉच ब्राइट इतना अच्छे से क्लीन नहीं करता जितना ये मैं कहती हूँ अच्छे से क्योंकि इसके ब्रिस्टल्स बहुत हार्ड हैं और बहुत अच्छे से ये जो है क्लीन कर देता है और इसके अलावा ये भी लिए ये भी स्पॉन्ज है स्कॉच ब्राइट की तरह ही है तो इनको भी मैं अभी यूज़ करके देखूँगी मैंने भी इनको यूज़ नहीं किया है तो फिर इनका भी मैं बताऊँगी कि ये भी किस तरह के हैं और बस जो मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ें लग रही थी ना मैंने वही परचेज़ की क्योंकि यहाँ पर ना रखने का फिर इशू होता है इस वजह से और मैंने कारफोर से एक और चीज़ ली थी ये जूसर लिया था ठीक है मैनुअल जूसर लिया था मैंने तो इसका क्या हुआ ये प्लास्टिक का था और ये सारा नीचे से क्रैक हुआ था इतना ज़्यादा क्रैक हुआ हुआ था ना कि इसमें से मैंने कहा ये तो अब किसी काम का नहीं है तो अब मुझे बड़ा गुस्सा भी आया हालांकि ये सिर्फ दस धर्म का था लेकिन फिर भी मुझे मैंने कहा आप, आपने चेक करके नहीं रखा था और मैंने भी उस टाइम देखा नहीं तो उन्होंने भी बस फटाफट से रख दिया और क्योंकि बहुत लेट हो रहा था हमें तो बस जी ये थी थोड़ी सी शॉपिंग और रात को एक बजे के हुआ मुझे फिर से वही आइसक्रीम खानी थी तो बस वही ये मुझे दोबारा लेकर जा रहे थे तो वहाँ से करीब में शुक्र था एक कैफ़े था वहाँ से मिल गई थी तो बहुत ही मजे की थी यहाँ की भी बहुत ही थी लेकिन जो आइकिया की थी ना वो बेस्ट थी और वो मेरा बार बार खाने को दिल करता है और जी बस मैं यहीं पे अब अपने व्लॉग को एंड करती हूँ वह से व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें शेयर भी करें हाफिज़